आइए देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी मदें इसमें एडजस्ट की जाती हैं। सबसे पहला हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राहकों से प्राप्त रोकड़। इनफ्लो की मदें हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रही है कि डेटर से हमने प्राप्त किया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे विक्रय प्लस प्रारंभिक व्यापारिक प्राप्तियां माइनस अंतिम व्यापारिक प्राप्तियां, यानी कि सेल प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। और ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में भी कुछ चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो अगर हमको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल चाहिए तो उसमें दो चीज़ें शामिल हो सकती हैं, एक तो ओपनिंग डेटर्स और बिल्स पेबल, और वैसे ही अगर हमको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल चाहिए तो यहाँ पर दो चीज़ें शामिल हो सकती हैं, क्लोजिंग डेटर्स और फिर बिल्स रिसीवेबल। दूसरा पॉइंट हमको यहाँ पर मिलेगा लेनदारों को नगद भुगतान, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे क्रय प्लस प्रारंभिक व्यापारिक देयताएं माइनस अंतिम व्यापारिक देयताएं, परचेस प्लस ओपनिंग ट्रेड पेबल माइनस क्लोजिंग ट्रेड पेबल। यहाँ पर ओपनिंग ट्रेड पेबल की कैलकुलेशन अगर हमको करनी हो तो इसमें भी हम ओपनिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल को इंक्लूड करेंगे, और अगर क्लोजिंग ट्रेड पेबल की कैलकुलेशन करनी हो तो यहाँ पर हम क्लोजिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल को इंक्लूड करेंगे। थर्ड हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है परचेस की। परचेस अगर दिया गया है स्पष्ट रूप से तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कुछ मदों के आधार पर जोड़ तोड़ करके समायोजन करके हम परचेस कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से कर पाएंगे? क्रय बराबर बिके हुए माल की लागत माइनस प्रारंभिक स्कंध प्लस अंतिम स्कंध, परचेस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा रोकड़ व्यय, जिन्हें हम नगद व्यय कहते हैं, कैश में जो हम एक्सपेंसेस करते हैं वो। इसके लिए हमको चाहिए प्रारंभिक, अगर व्यय है प्रारंभिक पूर्वदत्त व्यय है तो हमको ध्यान रखना है कि हम उसको माइनस कर देंगे क्योंकि ओपनिंग है वो गत वर्ष से रिलेटेड है। और वैसे ही हमको ध्यान में रखना है कि अगर यही पूर्वदत्त व्यय अंतिम है यानी चालू वर्ष से रिलेटेड है तो उसको फिर हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही रूल हम अदत्त व्यय पर भी फॉलो करते हैं। हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर किसी प्रकार का अदत्त व्यय प्रारंभिक दिया है यानी कि फिर वो गत वर्ष का है तो उसको हम प्लस कर देते हैं, और अगर कोई अदत्त व्यय अंतिम दिया है तो हम ये मानते हैं कि वो चालू वर्ष का है तो फिर उसको फिर हम माइनस कर देते हैं क्योंकि लायबिलिटी के रूप में होता है वो अदत्त व्यय है। तो ये तो हमने इन समायोजनों की बात की कि किस तरह से हम ये समायोजन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ व्यय ऐसे, कुछ मदें ऐसी होती है जिन पर विचार नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन में वो पॉइंट्स दिए रहते हैं, हम कई बार कंफ्यूज होते रहते हैं कि उनको कहाँ लिखें, लेकिन वो कहीं पे कैश फ्लो में इनफ्लो या आउटफ्लो एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होते, या किसी भी कंडीशन में कैश एक्टिविटीज़ को वो प्रभावित ही नहीं करते। तो कुछ मदें ऐसी होती है जिनको हमको थोड़ा सा इग्नोर करना होता है। इनके अंतर्गत हम देखते हैं कि अगर गैर नगद मदें दी गई हैं, नॉन कैश आइटम दिए गए हैं, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन दिया रहता है, डिस्काउंट ऑन शेयर दिया रहता है, प्रेफरेंशियल शेयर दिया रहता है, कई बार गुडविल राइट ऑफ ख्याति अपलिखित भी दी रहती है। तो ये ऐसी मदें हैं जो नॉन कैश आइटम के अंतर्गत आती हैं। और कई बार गैर व्यापारिक आय भी होते हैं, नॉन कैश इनकम भी होती है, तो इसमें हमको ध्यान में रखना है कि ये डिविडेंट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इस तरह की जो मदें दी हुई हैं तो हम इनको ये मान लेंगे गैर व्यापारिक आय हैं, तो यहाँ पर तो हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, कई बार हम इनको वित्तीय या विनियोजन संबंधी जो क्रियाएँ होती हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि वो किससे रिलेटेड है, वहाँ पर अगर दी गई है तो हो सकता है कि इनके कुछ समायोजन हो जाए। अब हम देखें कि संचालन गतिविधियों से यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, हम कैश फ्लो के अंतर्गत इनफ्लो आउटफ्लो की कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ पर
प्रत्यक्ष विधि को फॉलो करते हुए हम कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, कैसे हम सेट करते हैं अपने एडजस्टमेंट को, तो आपने देखा कि किस तरह से इसके प्रारूप के अंतर्गत हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर हमको एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखनी होती है वो ये होती है कि अगर प्रश्न में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस से रिलेटेड दी गई है, अंतिम या प्रारंभिक शेष से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, एडिशनल लाभ हानि खाता या स्टेटमेंट जो दिया गया उसके बाहर अगर अतिरिक्त सूचनाएं दी गई है जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमको टैक्स रिलेटेड एक अलग से अकाउंट, एक अलग से फॉर्मेट बनाना होगा करों पर प्रावधान की गणना के लिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए, तो इसका अपना एक अलग प्रारूप होता है। आइए देखते हैं करों पर प्रावधान की गणना के लिए हम कौन सा प्रारूप फॉलो करेंगे। करों के लिए प्रावधान के कैलकुलेशन के लिए हम एक लेजर फॉर्मेट तैयार कर लेंगे जिसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे बैंक खाते से जब कर चुकाया जाएगा तो उसके अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट और टैक्स पेड, क्योंकि नॉर्मली हम जब टैक्स पे करते हैं तो जनरल एंट्री करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे शेष लाया गया गत वर्ष का, डेबिट में अगर चालू वर्ष का शेष है तो वो हम लिखेंगे शेष लाया गया चालू वर्ष का, और फिर हम इसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस का विवरण चालू वर्ष का बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन मेड इन करेंट ईयर, और फिर क्लोज कर देंगे। प्रस्तावित लाभांश के लिए हम जब खाते बनाएंगे तो उसमें हम देखते हैं कि डेबिट में हम लिखेंगे बैंक खाता से लाभांश चुकाया टू बैंक अकाउंट डिविडेंड पेड, शेष लाया गया चालू वर्ष टू बैलेंस सीडी करंट ईयर, क्रेडिट में हम लिखेंगे शेष लाया गया गत वर्ष बाय बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस का विवरण चालू वर्ष बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिविडेंड प्रपोज्ड इन करंट ईयर। तो ये तो हमने देखा कि अगर करों के प्रावधान से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है तो हमको ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएंगी, लेकिन अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है तो इस कंडीशन में फिर जो भी बैलेंसेस या जो भी जानकारी है यहाँ पर दी गई है उसको हम चालू वर्ष में भुगतान किया गया ही मान लेते हैं, और फिर बहुत आसानी से हम उसको जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो स्टेप वन में इसको प्लस कर देते हैं जो भी टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, और जो हमारा स्टेप फोर्थ होता है उसमें हम इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेटेड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अब लाभांश के वितरण के संबंध में डिविडेंड से रिलेटेड भी ऐसा ही कुछ पॉइंट हो सकता है, तो अगर डिविडेंड से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है प्रश्न में, यानी कि जो फॉर्मेट दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट या अकाउंट का जो फॉर्मेट दिया गया उससे बाहर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिविडेंड अगर है आपके पास, तो ऐसी कंडीशन में हमको यहाँ पे क्या करना होता है कि अलग से एक प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाना पड़ता है। तो आपने देखा कि प्रपोज डिविडेंड की कैलकुलेशन अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उस कंडीशन में हम कैसे करते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टेप टू पे। स्टेप टू के लिए हम कैसा फॉर्मेट बनाएंगे, तो यहाँ पर क्योंकि हमने देखा कि स्टेप टू में हम कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व का जो लाभ होता है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं, तो उससे रिलेटेड ही जो जानकारियाँ होती हैं उसको ही हम इस फॉर्मेट में शामिल करते हैं। तो कौन कौन सी जानकारियाँ होंगी, कौन कौन सी मदें होंगी जो इसके अंतर्गत इंक्लूड की जाएंगी, आइए एक फॉर्मेट के आधार पर इसको देखें। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व संचालन लाभ की गणना करने के लिए चरण एक में कर एवं असाधारण मद के पूर्व गैर रोकड़ एवं गैर संचालन मदों को शुद्ध लाभ में समायोजित किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, असाधारण मद एवं कर के पूर्व शुद्ध लाभ, गैर रोकड़ एवं गैर संचालन मद, इसमें हमको ऐड करना होता है हास, ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि परिशोधन, व्ययों के लिए आयोजन, डूबत ऋण, पूर्वाधिकारी अंश एवं ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम,
ऋण पत्रों एवं ऋणों पर ब्याज, स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर हानि। इसके टोटल में से हमको माइनस करना होता है वर्ष के दौरान लाभांश प्राप्त, वर्ष के दौरान ब्याज प्राप्त, वर्ष के दौरान किराया प्राप्त, विनियोग एवं स्थायी संपत्ति के विक्रय पर लाभ, और बैलेंस इसका कहलाता है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व संचालन लाभ। तो आपने देखा कि सेकेंड स्टेप के लिए हम कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे। अब आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्न। निम्न जानकारी से संचालन क्रियाओं द्वारा रोकड़ की गणना कीजिए। लाभानि विवरण 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए, पहला संचालन से आय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 90,000, दूसरा अन्य आय अदर इनकम 16,000, तीसरा कुल आय टोटल रेवेन्यू फर्स्ट प्लस सेकेंड 1,06,000, फोर्थ व्यय एक्सपेंसेस, ए कर्मचारी कल्याण व्यय एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस 30,000, बी हास एवं ऋण मुक्ति व्यय डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000, सी अन्य व्यय अदर एक्सपेंसेस 30,000, टोटल 64,000, फिफ्थ कर के पूर्व लाभ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स थर्ड माइनस फोर्थ 42,000, सिक्स आयकर लेस टैक्स पेड 10,000, सेवन वर्ष का लाभ प्रॉफिट ऑफ द ईयर 5 माइनस 6 32,000, प्रस्तावित लाभांश लेस एप्रोप्रिएशन माइनस प्रपोज डिविडेंड 10,000, शेष लाभ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 22,000। नोट्स ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट अन्य आय अदर इनकम, ए भूमि के विक्रय से लाभ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 9,000, बी आयकर वापसी इनकम टैक्स रिफंड 7,000, टोटल 16,000, दूसरा अन्य व्यय अदर एक्सपेंसेस, ए मशीन के विक्रय पर हानि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 6,000, बी बीमा इंश्योरेंस 8,000, सी प्रशासनिक व्यय एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 16,000, टोटल 30,000। इस प्रश्न में हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, जिसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और क्योंकि ये कैलकुलेट करके नहीं दिया गया है, इसलिए सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके लिए हम जो फॉर्मेट बनाएंगे उसमें हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशंस लिखेंगे, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर हमको 22,000 का दिया गया है। इसमें हम ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 दिया गया है और प्रपोज डिविडेंड ऐड कर देंगे हम 10,000, तो ये टोटल हो जाता है 42,000 का। और इसमें हम माइनस कर देते हैं रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 7,000, तो ये हमको यहाँ पे मिल जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 35,000। ये हमने कैलकुलेशन कर ली। अब इसके बेस पे हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 35,000। इसमें हम दो तरह के एडजस्टमेंट करेंगे, एक नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए और दूसरा वर्किंग कैपिटल के लिए। तो नॉन प्रॉफिट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो है वो हमको यहाँ पर, एक तो डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हमको दिखाई दे रहा है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है यहाँ पर। इन तीन चीजों को हमको ध्यान में रखना है। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन है तो वो तो ऐड हो जाएगा, लॉस भी ऐड हो जाएगा, एसेट्स के सेल पे जो हमको लॉस हुआ है, तो ये हो जाएगा ऐड में दो पॉइंट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000, ऐड का दूसरा पॉइंट हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 6,000, और टोटल ये हो जाता है 45,000।
इसमें हम माइनस कर देंगे, एक हमको नॉन ऑपरेटिंग दिख रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 9000, तो जो बैलेंस आएगा वो कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 36000। और फिर हम इसमें जो हमारे अदर जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं वो आ जाएगा, जिसमें हम टैक्स पेड देख रहे हैं उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे 10000, तो ये हो जाएगा 26000। इसमें हम माइनस कर देंगे रिफंड ऑफ टैक्स, अगर क्वेश्चन में दिया है तो हमको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 7000। और ये हमारा बैलेंस आ जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 33000। निम्न जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर्स, स्टॉक इन्वेंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 97,500 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 112,500। व्यापारिक प्राप्तियां ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर 31st March 2018 55,000 एंड फॉर 31st March 2017 37,500। पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर 31st March 2018 2005 एंड 31st March 2017 1,000। व्यापारिक देयताएं ट्रेड पेबल्स 31st March 2018 20,000 एंड 31st March 2017 15,000। गुडविल 2018 7,500 एंड 2017 10,000। प्रोविजन फॉर टैक्स 5,500 फॉर 2018 एंड फॉर 2017 7,500। अन्य सूचनाएं अदर इंफॉर्मेशन, फर्स्ट 31st मार्च 2018 को कर के बाद शुद्ध लाभ 77,500 था। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018 वाज 77,500 आफ्टर टैक्स। बी, वर्ष में लगाया गया हास 34,000। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 34,000। सी, बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति के प्राप्त हुए 20,000। क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज रुपीज 20,000। इस प्रश्न में हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तैयार करना है, जिसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और इसकी कैलकुलेशन स्पष्ट रूप से नहीं की गई है, हमको इसके लिए एक वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, जो कि क्वेश्चन में हमको दे दिया गया है निकाल के एडजस्टमेंट के अंतर्गत, अन्य सूचनाओं के अंतर्गत 77,500। इसमें हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स को हम इसमें ऐड कर देंगे 5,500, तो ये हो जाएगा 83,000। और इसमें हम माइनस कर देंगे क्लेम रिसीव जो हमको हुआ है, या फिर हम इसमें रिफंड को माइनस करते हैं, टैक्स डिडक्शन को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लेम हमको जो रिसीव हुआ है, क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है 20,000, उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो जाएगा 53,000। अब ये हमको मिल गया, इसके बेस पे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तैयार कर लेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 53,000। इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे, टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट होते हैं इसके, हमने देखे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, और दूसरा एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस वर्किंग कैपिटल आइटम। तो यहाँ पूरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम में एक तो हमको डेप्रिसिएशन दिख रहा है और गुडविल दिख रहा है, जनरली सारे क्वेश्चन में हमको ये पॉइंट जरूर मिल रहे हैं डेप्रिसिएशन और गुडविल, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पर हमारा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम यहाँ देख रहे हैं कि कैलकुलेट करके दे दिया गया है वर्ष का, तो हमको कहीं पे तुलनात्मक इसका कंपैरिजन इसका नहीं करना है, डायरेक्ट हमको 34,000 को इसमें ऐड कर देना है। और गुडविल हमको दिखाई दे रही है जो कि 2017 में 10,000 की थी, लेकिन 2018 में डिक्रीज होकर 7,500 की हो गई,
तो 2500 यहाँ पर गुडविल जो है एसेट्स है उसमें डिक्रीज हो रहा है, तो इसके इसका हम एड में इसको लिख देंगे गुडविल अमोर्टाइज 2500। ये हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बैलेंस जो आएगा 89,500। अब हम इसमें एडजस्ट करेंगे एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम। वर्किंग कैपिटल के आइटम जो रिसीवेबल्स है, पेबल है, इन्वेंट्रीज है, इनसे जो रिलेटेड होते हैं वो सारे इसके अंतर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी इन्वेंट्रीज या पेबल या रिसीवेबल्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। तो एक तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इन्वेंट्री, सबसे पहला पॉइंट इन्वेंट्री क्या हो रहा है, 2017 में 1,12,500 था और 2018 में 97,500 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गई इन्वेंट्री थी, एसेट्स थी हमारी डिक्रीज हो गई, यानी इन्वेंट्री थी हमारे पास, स्टॉक था हमारे पास, डिक्रीज हो गया। अब ये एड का पॉइंट है, एड में चला जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट की इन्वेंट्रीज जो थी वो डिक्रीज हो गई, एसेट्स था अब वो डिक्रीज हो गया, एड में चला जाएगा। तो डिक्रीज कितना हो रहा है 15,000 का, यानी बैलेंस हम दोनों का माइनस करके निकालेंगे तो 15,000 का, ये हमारा एक ऐड का पॉइंट हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं सेकंड पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स है हमारे लिए और यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है कि ये इंक्रीज हो जा रहा है, तो ये माइनस का पॉइंट हो गया, माइनस में चले जाएगा ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज, और 37,500 का था अब ये हो गया 55,000 का, तो कितना इंक्रीज हो गया 17,500। इसको हम लेस में डाल देंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल में 17,500। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस का, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमको इंक्रीज होते दिखाई दे रहे हैं, 2017 में 1000 के थे और 2018 में 2500 के हो गए, यानी यहाँ पे भी हमको 1500 का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, और अगर एसेट्स हैं इंक्रीज होंगे तो फिर लेस में आएंगे, तो हम लेस के पॉइंट में इसको लिख लेंगे इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 1500 का। फिर इंक्रीज इन, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमको ट्रेड पेबल्स के दिख रहे हैं, तो ट्रेड पेबल 2017 में 15,000 था, अब हो गया वो 2018 में 20,000, यानी 5,000 से इंक्रीज हुआ। दूसरी बात पेबल है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो हमने फॉर्मेट में देखा कि एड में चली जाती है, तो यहाँ पर हम एड में लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल और 5,000 से इसकी एंट्री कर लेंगे। ये जो बैलेंस आ जाता है हमारा ये कहलाता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और ये हो जाएगा 90,500। इसमें हम लेस कर देते हैं टैक्स पेड, जैसे कि हमने देखा था टैक्स पेड है हमारा 7,500, तो ये जो बैलेंस बचेगा ये कहलाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 83,000। और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अगर कोई रिफंड है तो, लेकिन अगर रिफंड नहीं है तो हम क्लेम जो है वो इसमें से माइनस कर, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है क्लेम रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, तो ये हम इसमें ऐड कर दें, तो हमारा जो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा वो हो जाएगा 1,03,000। निम्नलिखित जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज पर्टिकुलर, लाभ हानि विवरण पत्र के अनुसार शेष या आधिक्य, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर 31 मार्च 2018 ₹1,50,000 एंड फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹1,00,000, संचित हास एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर एंडेड ईयर 31 मार्च 2018 ₹1,60,000 एंड फॉर ईयर 31 मार्च 2017 ₹1,50,000, ख्याति गुडविल फॉर ईयर 31 मार्च 2018 ₹60,000 एंड फॉर ईयर 31 मार्च 2017 80,000, पूर्वदत्त वे प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर ईयर 31 मार्च 2018 ₹21,000 एंड फॉर ईयर 31 मार्च 2017 ₹22,000, प्राप्य बिल
bills receivable for year 31st March 2018 rupees 90,000 and for year 31st March 2017 rupees 70,000. Adat Vetan outstanding salaries for year 31st March 2018 rupees 20,000 and for year 31st March 2017 8,000. Stock inventories for year 31st March 2018 rupees 90,000 and for year 31st March 2017 rupees 70,000. इस क्वेश्चन में हमको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को यहाँ पर शो करना है और यहाँ हम इनडायरेक्ट मेथड से, जैसे कि हमने वीडियो में देखा, इनडायरेक्ट मेथड से हम यहाँ पर इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31st मार्च 2018 जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो, और वो यहाँ पर हम लिखेंगे और उसमें से फिर हम माइनस कर देंगे जो कि 31st मार्च 2017 का प्रॉफिट था। तो हमको यहाँ पर जो बैलेंस मिलेगा उसको हम मान लेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31st मार्च 2018। दो कॉलम है हमारे पास यहाँ पर, एक अमाउंट का कॉलम है फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो है वो नेट अमाउंट का है। तो अमाउंट के कॉलम में हम लिखेंगे 31st मार्च 2018 150,000 और इसमें हम लेस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31st मार्च 2017 1 लाख और बैलेंस जो हमको मिलता है यहाँ पर 50,000 का उसको हम नेट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 50,000। अब हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, फॉर्मेट में हमने देखा था कि जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करते हैं, तो हम उसमें क्या क्या एडजस्ट करते हैं। तो एक तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2017 में जो 80,000 का था ये 2018 में 60,000 हो गया, यानी कि ये जो डेप्रिसिएशन का लॉस था ये यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। और ऐसी कंडीशन में हम इसको यहाँ पर ऐड वाले पॉइंट में हम इसको लेते हैं, तो ऐड करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन में जो इंक्रीमेंट हो रहा है 20,000 वो, और फिर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक गुडविल का पॉइंट। तो डेप्रिसिएशन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2017 में 150,000 का और 2018 में 160,000 का, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 10,000 जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो उसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे, एडजस्टमेंट में लिखेंगे डेप्रिसिएशन और अमाउंट कॉलम में हम 10,000 लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं गुडविल। तो गुडविल 2017 में यहाँ पे हमको 80,000 का दिख रहा है और 2018 में हमको 60,000 का दिख रहा है। तो गुडविल राइट ऑफ के जो अमाउंट है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 20,000 से वो कम हुई है, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 10,000 और 20,000 यानी कि टोटल 30,000 को हम नेट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे पहले, और उसके बाद फिर हम इसको ऊपर जो हमने देखा 50,000 हमने यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 कैलकुलेट किया था उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये टोटल अमाउंट जो 80,000 की हमको मिलेगी वो हो जाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल मिल गई है। अब हमने देखा था कि फॉर्मेट में इसमें हम कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ चीजें लेस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी चीजें इसमें ऐड करने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर करंट एसेट्स में, किसी एसेट्स में अगर डिक्रीज होता है तो उसको हम ऐड कर देते हैं, या फिर लाइबिलिटीज में इंक्रीज होता है तो हम उसको ऐड करते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा था। दूसरी कंडीशन, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो हम उसको लेस करते हैं, या फिर करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसको लेस करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अब हमको इसमें से पॉइंट आउट करना है कि किन किन चीजों को हमको यहाँ पर ऐड करना है और किन किन चीजों को हमको यहाँ पर लेस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिक्रीज जो हो रहा है करंट एसेट्स, उसमें एक हमको दिखाई दे रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड के बारे में हमने पहले से जाना कि प्रीपेड हमारे लिए एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है, और प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि 2017 में 22,000 का था अब
वो 2018 में डिक्रीज होकर 21,000 हो गया, यानी कि 1,000 इसमें डिक्रीज हुआ है। तो ये हम ऐड वाले पोर्शन में रखेंगे इसको, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, पॉइंट डालेंगे फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ हम लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इनर अमाउंट कॉलम में हम 1,000 लिखेंगे जितना कि डिक्रीज हुआ है। और हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है एक लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हम देख रहे हैं यहाँ पे लाइबिलिटी है 8,000 2017 में और ₹20,000 2018 में। तो यहाँ पर हमको ये जो लाइबिलिटी है ये इंक्रीज होती दिखाई दे रही है, और अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम फिर एड कॉलम में लिखते हैं। तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है इसमें, 8,000 से वो इंक्रीज होकर हो गई 20,000, यानी कि 12,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 12,000 की जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, वो हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम पर्टिकुलर में लिखेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और फिर सेकेंड पॉइंट डाल के हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इनर अमाउंट कॉलम में हम इसकी अमाउंट लिखेंगे, बैलेंस अमाउंट जो है यानी कि इंक्रीमेंट अमाउंट जो है 12,000, और फिर इसका टोटल जो होगा 13,000 वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। और फिर हम इसको, हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल था 80,000, उसमें हम इस 13,000 को प्लस कर देंगे तो टोटल अमाउंट हमको यहाँ पर 93,000 के मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि लेस के कौन कौन से पॉइंट हैं। तो दो चीजें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो, और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो, इन दोनों पॉइंट्स को हमको लेस में डालना है। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि बिल्स रिसीवेबल जो एक प्रकार का एसेट्स है, करंट एसेट्स है, ये 2017 में 70,000 का था और 2018 में ये 90,000 का हो गया, यानी कि ये जो करंट एसेट्स है ये इंक्रीज हो रही है 20,000 से। तो इसको हम लेस कॉलम में लिखेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे, और जो डिफरेंस की अमाउंट है यानी कि इंक्रीमेंट की जो अमाउंट है 20,000, उसको यहाँ पर हम इनर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टॉक, तो स्टॉक यहाँ हम देख रहे हैं कि 70,000 था 2017 में और 2018 में वो 90,000 का हो गया, यानी कि 20,000 का स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और स्टॉक जो है वो हमारे लिए करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स की अमाउंट अगर इंक्रीज होती है तो फिर उसको हम लेस कॉलम में लिखते हैं। तो 20,000 से हम इसको लेस में लिखेंगे। टोटल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 40,000 आ रहा है, और आउटर कॉलम में हम इस 40,000 को लिखेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो 93,000 प्राप्त किया था उसमें हम इस 40,000 को माइनस कर देंगे, तो हमको जो अमाउंट मिलेगी 53,000 की, वो हमारी हो जाएगी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आरती लिमिटेड का 31 मार्च 2018 वर्ष का लाभ ₹56,000 था। निम्न जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। आरती लिमिटेड अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹56,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। कैलकुलेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर्स, स्टॉक इन्वेंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹12,400, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹14,000। व्यापारिक प्राप्तियां ट्रेड रिसीवेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹50,000 and for the year ended 31st March 2017 ₹40,000. पूर्वदत्त किराया prepaid rent for the year ended 31st March 2018 ₹3,000 and for the year ended 31st March 2017 ₹2,000. अदत्त व्यय outstanding expenses for the year ended 31st March 2018 ₹3,600 and for the year ended 31st March 2017 ₹4,000. व्यापारिक देयताएं trade payables for the year ended 31st March 2018
rupees 32,000 and for the year ended 31st March 2017 rupees 30,000. इस क्वेश्चन में हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी है. इनडायरेक्ट मेथड से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे. फॉर्मेट हम वही यूज करेंगे जो कि हमने वीडियो में देखा. यहाँ पर सबसे पहले हमको चाहिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर के लिए हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से निकाल के दे दिया गया है. 31st मार्च 2018 का जो प्रॉफिट है वो है 56,000, जिसको कि हम आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख देंगे. अब हमको इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है और कुछ चीजें लेस करनी है. कॉन्सेप्ट हम वही फॉलो करेंगे यहाँ पर कि अगर किसी करंट एसेट्स की अमाउंट डिक्रीज होती है तो हमको ऐड करना है, और लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हमको ऐड करना है. दूसरी बात, अगर किसी करंट एसेट्स की अमाउंट इंक्रीज होती है या कोई करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमको लेस करना है. इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमको इसमें कुछ मदों को ऐड करना है और कुछ को लेस करना है. तो सबसे पहले हम इसको दो भागों में अलग अलग बांट लेते हैं इस पूरे फॉर्मेट को. पहले हम ऊपर ऐड लिख देते हैं और उसके नीचे फिर हम कुछ पॉइंट्स के बाद लेस लिख देते हैं कुछ डिस्टेंस के बाद. अब सिक्वेंस से हम इसमें देखते जाते हैं कि कौन सी मदें ऐड में आएंगी और कौन सी मदें लेस में आएंगी, और उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एंट्री यहाँ पर करते जाएंगे. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज. स्टॉक जो है वो हमारे लिए करंट एसेट्स है. करंट एसेट्स की वैल्यू हम देख रहे हैं कि 2017 में स्टॉक था 14,000 का, जो कि 2018 में घटकर डिक्रीज होकर 12,400 का हो गया. तो यहां पर हमको 1600 का डिक्रीज होता हुआ जो स्टॉक है यानी कि करंट एसेट्स है वो दिखाई दे रहा है. और ये हमने देखा कि जब कोई करंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसको हमको यहाँ पर ऐड करना है. तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर में ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा स्टॉक. तो स्टॉक को हम पहले इनर अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे 1600. उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसमें ट्रेड रिसीवेबल्स दिए गए हैं, तो ये हमको ध्यान में रखना है कि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो हमारे लिए करंट एसेट्स है. और यहाँ हम देख रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल 2017 में 40,000 था और 2018 में ये बढ़कर 50,000 हो गया, यानी 10,000 इंक्रीज हो गया है. तो यहाँ क्योंकि ये एक प्रकार की करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ये आएगा लेस कॉलम में. और लेस वाला जो हमने पोर्शन छोड़ रखा है उसमें हम लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और 10,000 से हम बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट इसमें लिख देंगे. थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं प्रीपेड रेंट. प्रीपेड रेंट यानी पूर्व दत्त किराया, ये हमारे लिए एक प्रकार का एसेट्स है, हमारे लिए करंट एसेट्स है. और यहाँ हम देख रहे हैं कि करंट एसेट्स की वैल्यू जो है 2017 में ये प्रीपेड रेंट 2000 था और 2018 में ये 3000 हो गया, यानी 1000 से इंक्रीज हुआ है. और जब भी किसी करंट एसेट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में हम इसको लेस कॉलम में लिखते हैं. तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट डालेंगे प्रीपेड रेंट, और 1000 से इसके अमाउंट को हम यहाँ पर इनर कॉलम में लिखेंगे. नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया है, अदत्त व्यय दिया गया है. अदत्त यानी कि लाइबिलिटी हमारे लिए दायित्व है, और दायित्व का मूल्य यहाँ हम देख रहे हैं कि घट रहा है. 17 में जो 4000 था वो 2018 में 3600 हो गया, यानी कि 400 इसमें डिक्रीज हो रहा है. तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसका जो 400 जो डिक्रीज हो रहा है, हम ये मान रहे हैं यहाँ पे कि डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है, और उसको हम क्योंकि जब भी कोई करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमको उसको लेस करना होता है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पर लेस कॉलम में डाल देंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखकर 400 से हम उसकी एंट्री इनर कॉलम में कर देंगे. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख रहे हैं बिल्स पेबल दिया गया है. बिल्स पेबल हमारे लिए एक तरह से लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी की वैल्यू यहाँ हम देख रहे हैं कि 30,000 से 32,000 हो गई, यानी कि इंक्रीज हो रही है. तो इस कंडीशन में जबकि लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको हम ऐड कॉलम में डालते हैं. तो हम इसको ऐड पोर्शन में लिखेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, और पॉइंट यहाँ पर हम सेकंड डालेंगे बिल्स पेबल लिखेंगे,
और डिफरेंस की जो अमाउंट है यानी कि इंक्रीमेंट की जो अमाउंट है 2000, वो हम यहाँ पर इनर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 2000। तो अब हमने जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए थे उनमें से कुछ पॉइंट जो ऐड पोर्शन में आए वो हमने लिख लिए इनर अमाउंट कॉलम में, जो लेस में आए वो हमने लिख लिए। अब हम इनके कैलकुलेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐड वाले पोर्शन में दो पॉइंट आए हैं 1600 और 2000, इनका टोटल हम आउटर कॉलम में कर लेंगे यानी 3600 को हम आउटर कॉलम में लिख लिए और फिर हम इसको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में ऐड कर दिए। तो ये टोटल अमाउंट हो गई 59600 की। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लेस का पोर्शन था उसमें तीन अमाउंट है हमारे पास 10,000, 1,000 एंड 400। तो टोटल 11,400 को हम आउटर कॉलम में लिख देंगे और ये हमारा बैलेंस आ जाएगा जबकि हम 59,600 में माइनस करेंगे 11,400 को, तो ये बैलेंस हमारा आ जाएगा 48,200। निम्न जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। विवरण पर्टिकुलर्स। करों के लिए प्रावधान एवं प्रस्तावित लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड रुपीज 22,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। प्रस्तावित लाभांश प्रपोज डिविडेंड रुपीज 10,000, करों के लिए प्रावधान प्रोविजन फॉर टैक्स रुपीज 10,000, ख्याति का परिशोधन या अपलेखन गुडविल अमोर्टाइज्ड रुपीज 8,000, मशीन पर हास डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रुपीज 4,000, यंत्र के विक्रय से हानि लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट रुपीज 2,000, फर्नीचर के विक्रय पर लाभ गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर रुपीज 8,000, आयकर की वापसी रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रुपीज 8,000, आयकर का भुगतान इनकम टैक्स पेड रुपीज 10,000। यहाँ पर हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए एक फॉर्मेट बनाना है जिसमें हम जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा, वीडियो में देखा कि सबसे पहले हमको यहाँ चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, इसके बारे में जो जानकारियां दी गई है उसमें हम देख रहे हैं, इसके बारे में सबसे पहले हमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की। और इस फॉर्मेट में हमको सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखना है आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स ये हम देख रहे हैं क्वेश्चन में 22,000 दिया गया है। फॉर्मेट में जैसे कि हमने देखा कि जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन करते हैं तो इस नेट प्रॉफिट में जो कि आफ्टर प्रोविजन एंड टैक्स है इसमें हम ऐड कर देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स और अगर प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है तो यहाँ पर हमको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 10,000, प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है 10,000, ये दोनों चीजें हम इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाता है 42,000। और इसमें हम लेस कर देते हैं रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है 8,000। तो ये हमारी जो बैलेंस हमको जो मिलता है 34,000 का, ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये हमको बेस मिल गया यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए। सबसे पहले हम पर्टिकुलर में लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है 34,000। और अब हमको इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं यानी कि कुछ प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कॉस्ट एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब इसमें हमको कुछ चीजें ऐड करनी है तो यहाँ पे हमको हम देख रहे हैं कि यहाँ हमको एक तो गुड्स एमोर्टाइज दिया गया है और इसकी वैल्यू दी गई है 8,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दी गई है, यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दी गई है। तो इस टाइप के जो लॉस वाले जो आइटम होते हैं वो सारे आइटम को हम इसमें ऐड कर देते हैं
और गेन वाले जो आइटम होते हैं उन सारे आइटम को हम इसमें लेस कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमको फॉलो करना है, जैसे कि हमने इसके वर्किंग नोट में देखा, हमने वीडियोस में देखा और फॉर्मेट में भी हमने देखा कि जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं तो जो हमारे एक्सपेंसेस, जो हमारे लॉसेस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम ऐड करना शुरू करेंगे और जो हमारे गेन वाले जो पॉइंट होते हैं उनको हम यहाँ पर लेस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में तीन चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, एक गुड्स अमोर्टाइज्ड है और एक डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है और एक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। ये तीन चीजें हमको लॉस वाली दिखाई दे रही हैं, इन तीनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो गुड्स अमोर्टाइज्ड है 8,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है 4,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 2,000। इन तीनों पॉइंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे और ये जो टोटल हो जाता है जब हम 34,000 यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम 34,000 में इन तीनों पॉइंट्स को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल हो जाता है 48,000। और अब इसमें हम लेस कर देंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है 8,000। तो ये जो हमको बैलेंस मिलेगा यानी 48,000 में 8,000 माइनस करने के बाद हमको जो बैलेंस मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज चेंजेस 40,000। इसमें हमको एक और चीज लेस करनी होती है जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा टैक्स पेड अगर क्वेश्चन में दिया है तो, और यहाँ पर 40,000 में टैक्स पेड 10,000 हम लेस कर देंगे तो बैलेंस अमाउंट हमको मिल जाएगी 30,000। और अगर क्वेश्चन में कहीं रिफंड टैक्स दिया गया है तो उसको हमको यहाँ पर ऐड कर देना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि रिफंड टैक्स की अमाउंट भी दी गई है 8,000, उसको हम इस 30,000 में ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 38,000। इसको हम एक तो नेट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।